क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन दोनों का आप DA से ले सकते हो। उसके लिए इस पूरी वीडियो में पूरा बात बताऊंगा कि आपको ज्वाइनिंग कैसे करना है, बेनिफिट्स क्या रहेगा, आपको शेयर कैसे करना है, ये सभी डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो के दौरान। बात करता हूँ पे आउट की, तो पे आउट में सब में अलग अलग है। क्रेडिट कार्ड में 3800-4000 तक का है और पर्सनल लोन में आप 5% तक का कमीशन ले सकते हो। फीचर्स की बात करूँ तो उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, आपको कोई ऑफिस या कोई आपको टाइम नहीं बिगड़ना है, आप जब भी फ्री हो, अगर फुल टाइम करना चाहते हो तो भी कर सकते हो और पार्ट टाइम करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। इसमें कोई डिग्री की सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है कि एजुकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो, थोड़ा एक्सपीरियंस है तो भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो वर्क है ना वो पूरा डिजिटल है। वो भी आपको सेल करना है, उसका आपको ट्रैकिंग भी रहेगा, आपकी एप्लीकेशन में ट्रैक रहेगा, और जो भी आप सेल करेंगे वो जो सेल्स कन्वर्ट होगा, सक्सेसफुल कन्वर्ट होगा, उसका कमीशन आपको मिल जाएगा। तो जो रजिस्टर किया है, मतलब जो जिस कस्टमर ने अप्लाई किया है लोन, क्रेडिट कार्ड, डीमैट अकाउंट, बैंक अकाउंट, कुछ भी सर्विस के लिए रजिस्टर करते हो, उससे लेके जब तक डिस्बर्स होता है, मतलब कि जब सक्सेसफुल सेल होता है, तब तक का पूरा रिकॉर्ड आपके एप्लीकेशन में दिख जाएगा। रजिस्टर किया है तो दिखेगा, प्रोसेस अधूरा है वो भी दिखेगा, कम्प्लीट होगा तो भी दिखेगा, और रिजेक्ट होगा तो भी आपको ट्रैक हो जाएगा। तो पूरा ट्रैकिंग रहेगा आपका। और सेल करने के लिए आपको कोई मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपका बेस्ट जरिया है आपको सोशल मीडिया या व्हाट्सअप, क्योंकि आज सब लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। किसी न किसी के पास कोई अकाउंट होगा, फेसबुक है, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सअप, कुछ ना कुछ अकाउंट तो पता ही है, तो आप उस पर शेयर करके लीड जनरेट करके इनकम कमा सकते हो। दूसरी चीज, आपको लगता होगा कि मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है, शेयर करना है तो कैसे शेयर करना है। एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करेंगे उसी टाइम पे आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है और रेफरल कोड मांगा जाएगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और डिस्प्ले पे आपको शो होगा, वो आपको डालना है। और उसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करना है, जो आपको कमीशन हो उस बैंक में आएगा। इन फ्यूचर आपको बैंक अकाउंट चेंज करना है तो भी कर सकते हो, लेकिन अभी जो है वो डाल सकते हो। उसके बाद आपको पूरा अकाउंट हो जाएगा ओपन, उसमें आपको ID कार्ड मिलेगा, ऑफर कार्ड मिलेगा, और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो अपने ऑफिस या अपने प्रोफाइल पर लगा सकते हो कि आप एडवाइज़र हो, ऑथोराइज एजेंट हो, तो वो आप बनाए बनाए हुआ मिल जाएगा। करते हैं कमीशन की। कमीशन जो है वो आपको एप्लीकेशन में वॉलेट में आ जाएगा और आप इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। उस पर जो TDS है, 5-10% का TDS कट के आपका अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, वो भी इंस्टेंट। तो ये सबसे फास्ट तरीका है। आपको लगता होगा कि मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड या लोन कैसे सेल कर सकूं? दोस्तों, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो भी प्रोडक्ट है वो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि कौन से क्राइटेरिया है और कौन से आपको शेयर करना है। जब शेयर करेंगे तब आपको एक पोस्टर मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। पोस्टर के साथ थोड़ा डिटेल्स भी आएगा प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको सिर्फ शेयर करना है। तो आपको मोबाइल नंबर, आपका नाम, पोस्टर डिटेल्स सब बने बने हुए मिल जाएगा। आपको शेयर बटन पर क्लिक करके शेयर करना है, बस इतना सा ही करना है आपको। जब शेयर करेंगे तो जिसको ज़रूरत है वो तो इस प्रोडक्ट बारे में जानता ही होगा, तो ज़रूरत है तो अप्लाई करेगा और आगे की प्रोसेस कम्प्लीट करेगा। मान लीजिए कोई सैलरीड एम्प्लॉय हुआ, सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ, आपने कोई लोन लिया या क्रेडिट कार्ड लिया, तो उसके बाद आपका फ्रेंड सर्कल को ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे? उसको सजेस्ट करेंगे कि ये बंदा है, उसको बात कर, वो आपको लोन या क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट ओपन करके दे देगा। लेकिन आपको कुछ मिलेगा उसमें नहीं ना। तो अगर आप ये रेफर कर दे हो ना, तो जो वो प्रोसेस कर रहा है वही प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है डिजिटली, तो वो खुद प्रोसेस करेगा, तो आपको उसका कमीशन मिल जाएगा। तो आपका दोनों तरफ से फ़ायदा है, एक तो आपने रेफर किया उसका कमीशन मिलेगा, और आपका ब्रांडिंग बढ़ेगा कि आपने सजेस्ट किया तो आपका थोड़ा वैल्यू बढ़ेगा कि वो बंदा जो सही है हमको राइट डिसीजन देगा। तो ये बेस्ट जरिया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से रजिस्टर करें, और आगे की जो प्रोसेस है वो उसका भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में बनाया हुआ है, वो चेकआउट करें कि प्रोसेस कैसे करना है, वो पूरा प्रैक्टिकल बताया हुआ है। लोन का DSA आज ही बने, क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन का,